Hello everyone, my name is Dr. Madhu Azad and my clinic name is the Vitality International Homeo Clinic. और इस वीडियो में बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिंस जो डेंगू फीवर में काम आई जाती हैं. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले कि कौन कौन से सिम्टम होंगे इसे पता लगेगा कि डेंगू फीवर है. हाई ग्रेड फीवर, दैट मीन 102, 103, 104 इतना हाई फीवर हो सकता है. साथ में हो सकता है मसल पेन, बॉडी पेन बहुत सीवियर होगा, इतना तेज दर्द होगा जैसे हड्डियाँ दुख रही हैं, जैसे बोले बोन पेन, इस वाला ये वाला पेन हो सकता है. जॉइंट पेन हो सकता है, सर दर्द बहुत सीवियर हो सकता है, पेन बिहाइंड द आइज, आइज के पीछे पेन हो सकता है. साथ में हो सकता है सीवियर केसेस के अंदर नोजिया और वॉमिटिंग ऑल्सो एंड रैशेज भी हो सकते हैं. अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो डेंगू फीवर में काम आई जाती हैं. सबसे पहले यूपेटोरियम परफोरेटम, इसके अंदर होता है बोन पेन, हाई ग्रेड फीवर विद बोन पेन, यानी कि हड्डियाँ दुख रही हैं, इतना सीवियर दर्द होगा. साथ में होगा सीवियर हेडेक, और हेडेक ऐसा है कि जो अगर आपको पसीना भी आ गया है फीवर में, कि बुखार उतर गया है, पूरा बॉडी का दर्द ठीक हो गया है, लेकिन जो सर दर्द है वो ठीक नहीं होगा, तो इसमें देंगे यूपेटोरियम. साथ में है नोजिया, साथ में है वॉमिटिंग भी हो सकती है, और प्यास बहुत लग रही है, तो यूपेटोरियम. नेक्स्ट रेमेडी है ब्रायोनिया एल्बा, पूरा बॉडी में दर्द हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर है, साथ में बिल्कुल मन कर रहा है कि आराम से लेटे रहें, बिल्कुल नहीं हिलना है, थोड़ा सा भी हिलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, थोड़ा सा भी हिल रहे हैं तो दर्द हो रहा है, तो और प्यास लग रही है, मुंह सूख रहा है, पानी की प्यास लग रही है, जो उसमें बहुत सारा पानी पी रहे हैं, धीरे धीरे में पानी पी रहे हैं, बट लेकिन एक बार में बहुत सारा पानी पी रहे हैं, तो यह है ब्रायोनिया. थर्ड रेमेडी है रस्टॉक्स. रस्टॉक्स के अंदर भी जॉइंट पेन है, मसल पेन है, फीवर बहुत हाई है, साथ में है रेस्टलेसनेस, बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही होगी, तो रस्टॉक्स. एक और रेमेडी है टीनोस्पोरा. टीनोस्पोरा जो होती है वो गिलॉय से बनती है. जो गिलॉय होता है वो प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में काम होता है, तो टीनोस्पोरा का टिंचर दे सकते हैं. और कब देंगे? जब प्लेटलेट काउंट कम है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, और वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है साथ में, तो टीनोस्पोरा. अब है कि डेंगू फीवर चला गया है, मतलब वो जो 5 डेज का पीरियड था फीवर डाउन हो गया है, बट उसके बाद जो है वीकनेस बहुत रह गई है, तो वीकनेस के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है चाइना, सिंकोना ऑफिसिनालिस, तो ये टिंचर में दे सकते हैं. और दूसरी रेमेडी है हमारी जलसीमियम. जलसीमियम में क्या होगा कि बहुत वीकनेस लग रही है, शरीर में शिवरिंग जैसी हो रही है, हल्का हल्का सा फीवर ऐसा लग रहा है बना हुआ है, बहुत डलनेस है, ऐसा लग रहा है नींद आ रही है, जैसे सर घूम रहा है, प्यास बहुत कम लग रही है, तो जलसीमियम. होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प होगा. अगर किसी को डेंगू फीवर है, आपको आपके फैमिली में अगर किसी को डेंगू फीवर है जिसको आप जानते हैं, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर को. अगर आपको मुझे कंसल्ट करना है तो आप दिए हुए नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं. और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल, और साथ में जो एक बेल आइकन है आप उसे प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ. स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी. बाय बाय.